आपके पापा जब खत्म हुए तो आप किस तरह से, मतलब गांव के लोगों ने आपको सपोर्ट किया था कुछ दिन तक या कुछ नहीं, अकेले कर रहे हैं? कुछ नहीं किया, अकेले कर रहे हैं, कुछ नहीं किया, अकेले ही कर रहे हैं। खर्चा कैसा चल रहा है? काम करती है मेरी मम्मी, चूड़े लगाती हैं। राशन वासन कुछ नहीं मिलता बनाने का, तो पहले इतने पैसे लगेंगे, 1000-1500 रुपये, 3000, कहाँ से ला दे भैया, हम गरीब है, इतने इतने पैसे। राशन कार्ड अगर बनवाने जाते हैं तो पैसे मांगते हैं? पैसे मांगते हैं 4000-5000, कहाँ से लाएंगे भैया, हम पैसे नहीं है हमारे पास, हम तो गरीब है, कमाते खाते हैं, एक से कमाई होते हैं हमारे, बच्चे को पढ़ा लो लिखा लो यही कर लो। अच्छा, वोट किसको करते हैं आप यहाँ? हर बार सरकार बनती है ज़्यादातर कांग्रेस को करते हैं, कांग्रेस को ही। इस बार क्या मूड है आपका, किसको करेंगे? कांग्रेस को ही करेंगे, कांग्रेस को देंगे वोट। लगा जब से कांग्रेस को दिया, अब अगले का नसीब है, अखाड़े में दो उतरे, एक हारे एक जीते, अपन तो कांग्रेस को ही देते हैं, कांग्रेस को ही देंगे। तो ये जो मुख्यमंत्री अगर आपको देख रहे हों हमारे कैमरे के माध्यम से, तो वो गहलोत साहब हैं, अशोक गहलोत, तो उनकी सरकार है और कांग्रेस पार्टी से जो यहाँ चुनाव लड़ते हैं, लड़ रहे हैं अभी, वह है रामकेश मीणा। उनसे आप क्या अपील करेंगे, मतलब क्या मदद की उम्मीद करते हैं? कि आपने कांग्रेस को वोट दिया पिछली बार गई, फिर अब के बार फिर मन बनाया है आपने कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो उनसे कुछ मदद की गुहार किस तरह से लगाना चाहेंगे आप? हमारे गड्ढों ने सुधर जाए, पानी की सुविधा हो जाए, गटर बाथरूम की सुविधा हो जाए, हमारे एक ही प्लाट है, गरीब आदमी, एक प्लाट में 4 बच्चे रह रहे हैं। और ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने कहा है कि अनवर अली काजी एक बड़े व्यक्ति हैं हमारी नज़रों में, एक सम्मानित व्यक्ति हैं जो वर्तमान में रामकेश मीणा जी यहाँ पे रहे हैं। एक बार उनको भी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, हर बार कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करने का मन बना चुके हैं दोबारा अगली बार। राजस्थान के गंगापुर सिटी में जयपुर रोड पर स्थित ये काजी कॉलोनी में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और हमारे साथ में यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं वो मौजूद हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे जो इनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर इनका रुझान देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते रहते हैं और आगे भी सपोर्ट करने का हरदम प्रयास लगा हुआ है इनका, क्योंकि हम लोगों ने ऑफलाइन जब इनसे बात की तो इन्होंने हर तरह से कांग्रेस पार्टी को अच्छा बताया है। और अनवर अली काजी जो यहाँ हैं और उनकी कॉलोनी है, तो यहाँ पे थोड़ी समस्या इनकी है, वो हमारे कैमरे के माध्यम से आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहें। तो स्वच्छ मिशन के तहत जो यहाँ पे वो आती हैं, लेटरिंग वगैरह बनती हैं और सारी चीज़ें रहती हैं सरकार की तरफ से योजना जो मिलती है, तो ये जो लेटरिंग है देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की ये तस्वीर है और ये जयपुर रोड पर स्थित काजी कॉलोनी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, नगर परिषद गंगापुर सिटी, और ये महिलाएं हैं और महिलाओं का एक सम्मान की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में खुश नहीं है उनसे। अपना नाम बताइए आप। इमामन। के ये इसको लेके परेशानी है आपको, लेटरिंग बाथरूम को लेके या कोई और भी? लेटरिन को लेके परेशानी है और हमारा यहाँ नल भी नहीं आते। अच्छा, पानी की भी परेशानी है? पानी की भी परेशानी, तीन चार दिन हो गए और हमारा इंदिरा आवास आ जाए। अच्छा, मकान को लेके आप अपील करती हैं, यानी इंदिरा आवास की तरफ से आपको सुविधा मिल जाए। नाम बताइए अपना। नाम अरफीना। क्या की नाम बताना अपना? अरफीना। अरफीना जी, इंदिरा आवास को जानती हैं आप? हाँ जानते हैं। योजना है सरकार? हाँ। तो मिली है आपको योजना? हाँ, एक किस्त आ चुकी है हमारी। बीच में अभी रुकी हुई है? हाँ, रुकी हुई है, अभी तक दूसरी किस्त आने का कोई चांस ही नहीं है। कितना समय हुआ है? 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए उस बात को। कैसे कर रहे हैं मैनेज, और किस तरह से कभी किसी को? दूसरे पैसे लेके दूसरा या कमरा बनाया, अब कर्जा होगा हमारे माते, अब कर्जा वाले घर आने लग गए, अब कोई लेना देना ही नहीं, उनने मना कर दी कि किस्त अभी नहीं आएगी। कर्जे वाले से आप परेशान? हाँ, कर्जे वाले से परेशान हैं हम। तो यहाँ जो ये कोई जनप्रतिनिधि आपको मिलने के लिए आया है? हाँ। कोई नेता आया है आपके पास यहाँ मिलने के लिए? कोई नहीं आया यहाँ पे। और आप कभी गए हैं किसी नेता से मिलने के लिए? नहीं, हम नहीं गए। आपके काजी कॉलोनी के अंदर अनवर अली काजी, हाँ, राजमहल होटल वाले रहते हैं, आप उनके पास तक कभी गए हैं इस बात? नहीं गए हम तो। आप गए नहीं? नहीं। तो आप कैसे विरोध कर रहे हैं, मतलब आप कैसे बुराई कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे, हम जानते ही नहीं है कहाँ जाए। तो योजना किस तरह से आई थी, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं? हाँ, वो योजना हमने वामे नगर परिषद में भरे थे कागज, उनमें नंबर आया था हमारा। तो अभी कितने दिन में चाहते हैं आप इस योजना का, मतलब लाभ आपको मिल जाए, अगर आपको सरकार के वो देख रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं आ जाएगी तो बना लेंगे, नहीं आएगी तो बैठे। तो आपको आप कोई ना भाई, हमारा का के जो मजदूरी करते, धीरे धीरे कर्जा चुकेंगे, क्या करेंगे फिर, नहीं मिलेंगे तो। नाम बताइए। नजमा। आपकी क्या परेशानी है, आप बताइए, जो महिलाओं ने बताया क्या सही है? उसके तो कुछ
कुछ भी नहीं सही, मेरे तो कुछ भी नहीं है, ना घर ना मकान ना आदमी, फिर भी हमको तो कोई योजना ही नहीं मिले, कछु मिले भी नहीं या कछु मिले भी नहीं, बाकी और कोई भी नहीं है। प्लाट भी नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं है, किराए पर है, और आदमी भी खत्म है 8 महीने पहले, फिर भी कुछ। और बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे एक लड़का। 2 बच्चे हैं आपका, आदमी खत्म हो गया है? हाँ आदमी खत्म है, 8 महीने खत्म हो गया, भाई खत्म हो गया, बिन नहीं मार दिया, बिन नहीं। किसी काम से गए थे? हाँ काम करने गए थे, पर भाई खत्म है, खर्चा करके गए 2-2.5 लाख रुपया, फिर भी हमको तो ना कछु राशन भी चालू नहीं है, वैसे भी कोई मेला नहीं कछु ना, हमको तो कोई सुविधा नहीं है। बच्चे जो है वो कितने बड़े हैं आपके? बच्चे ये नहीं, एक बड़ा बच्चा है, 2 बच्चे है, तो बच्चे यहाँ से बड़ा है, थोड़ा ही की बड़ा होगी। बच्चे आपका नाम जानना चाहेंगे? साहिन। ये साहिन है, और ये हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं, एक बच्ची है और आपके पापा खत्म हो गए हैं, तो आप सरकार अगर आपको सुन रही होगी तो आप उससे क्या मदद मांगना चाहते हैं? हमारे घर भी नहीं है ना, कुछ मिलता भी नहीं है हमें, तो घर बनवाने की अपील करते हैं आप सरकार से? घर बनवाने। अच्छा आपके पापा जब खत्म हुए, सुनिए सर, आपके पापा जब खत्म हुए तो आप किस तरह से, मतलब गांव के लोगों ने आपको सपोर्ट किया था कुछ दिन तक या कुछ नहीं, अकेले कर रहे हैं? कुछ नहीं किया, अकेले ही कर रहे हैं। खर्चा कैसा चल रहा है? काम करती है मेरी मम्मी, चूड़े लगाती हैं। अच्छा मजदूरी करने के लिए जाती हैं तुम्हारी मम्मी, और जो तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई का क्या हो रहा है? मेरी मम्मी भर रही है फीस, मजदूरी करके पढ़ाई। किसके घर पर रहते हो? किराए से रहते हैं। किराया और पढ़ाई का खर्च उठाना दिक्कत हो रही है? जो जनप्रतिनिधि जो देख रहे हैं हमारी इस वीडियो क्लिप को, तो कहीं ना कहीं उनको सोचना चाहिए, पढ़ावो भी जरूरी है बच्चा को, ये जमाने में तो नहीं है कि पढ़ा नहीं सके, पढ़ावो भी जरूरी है, जो हेरो जैसे कर रहे पर पढ़ावो लिखावो सभी काम है, हम चाहें कि हमको भी मतलब जमीन मिल जाए, हमको रहवे लाग तो बन जाए कम से कम। जो भी सरकार की योजनाएं है वो कहीं ना कहीं ये पात्रता की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करना चाहिए, अगर कार्य ऐसे नहीं हो पा रहा, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और हर प्रकार से ऐसे ऐसे घरों में जाकर उनकी रिपोर्ट को निकालना चाहिए, और क्षेत्र के मीडिया से भी मैं अपील करूँगा कि वो हरदम इस तरह की कॉलोनियों में जाएँ और उनकी उनकी जो रिपोर्ट है, उनकी जो समस्याएँ हैं, वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों तक और शासन तक उसको पहुँचाने का कार्य करें। और आप क्या कहना चाहेंगे? यही मकान है हमारा, देखो यहाँ में पड़े हम तो चद्दर में, इधर हाँ मकान पर फोकस करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे, कहीं ना कहीं जब दुनिया के अंदर आदमी रहता है तो बारिश भी आती है और हवा भी चलती है, तो ये एक ये हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर बरसात का मौसम हो जाए तो सबसे पहले आदमी खुद को बचाने का प्रयास करता है, और ये छुट आगे से भी पानी आता है, पीछे खाटन पे बैठे रहते हैं, पानी उलीझते रहते हैं सारी रात। 2 महिलाएं और हमारे साथ में यहाँ खड़ी हैं, आप भी यहाँ पे घर में रह रही हैं, लेटरिन और बाथरूम की किस तरह की परेशानी है आपकी? सब चीज़ की परेशानी है, गले दिन की जंगल में जाते हैं, रात रात में बरसात आ जाए तो बालक हाथ हट्टी पे साफ करते हैं, लेटरिन बाथरूम की दिक्कत है, रात में जाती हैं तो खतरा रहता है आपको? जंगल में जाते हैं, बालक बरसात आ जाता है जब बालक परेशान रहता है, छतरी ले ले लेके जाते हैं, लेटरिन कराते हैं। महिलाओं का कहना है कि अगर बरसात आती है तो फिर उनको लेटरिन बाथरूम की परेशानी आती है, तो सोच मिशन के तहत उनको ये सेवा मिलनी चाहिए, बरसात के मौसम में छतरी लेकर जा रहे हैं, कोई अनहोनी हो जाए अगर रात के समय उनको ऐसी दिक्कत है, ये इज्जत की बात भी रहती है जी। बच्चे इनके हाथ पैरन में टूट कर जाए तो खजा भैया, इतनी दिक्कत है, लेटरिन बाथरूम की सब चीज़ की परेशानी बहुत है, पानी तक की परेशानी है, अब कर्जा ले ले घर मकान बना रहे, कर्जा नहीं लग रहे, छत नहीं होया, बरसात आते हैं भीजते हैं हम, खा जाएंगे बारिश में, और सब चीज़ की परेशानी है ना, कुछ सुविधा नहीं है ना। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम, अगर कभी आपने देखा है कभी कैंप वगैरह लगे हैं यहाँ, आप बताइए? हमने कभी देखे नहीं। जो डॉक्टर आते हैं आंगनवाड़ी वाली जो आती हैं इंजेक्शन लगाने, कोई नहीं आते, एक से पूछा जाए तो एक ही बताएं जी, कोई भी नहीं आते, कोई भी देखने को नहीं आते, कोई भी आज 3 दिन हो गए पानी की तरह से तरस रहे का तैयार। आप देख सकते हैं हमारे साथ में गर्भवती महिलाएं हैं, और उनका कहना ये है कि यहाँ पे जो आंगनवाड़ी की सुविधा होनी चाहिए, इंजेक्शन वगैरह जो लगते हैं वो कुछ नहीं। भी नहीं है, कुछ भी सामान नहीं मिला ना आस पास, कुछ भी नहीं दे, पैसे दे उनको पहले, जब मिलेंगे जब बनेंगे जब करेंगे, कुछ नहीं मिलता हमको, राशन वासन कुछ नहीं मिलता, बनाने का तो पहले इतने पैसे लगेंगे, 1000-1500 रुपये 3000 कहाँ से ला दे भैया, हम गरीब है, इतने इतने राशन कार्ड अगर बनवाने जाते हैं तो पैसे मांगते हैं 4000-5000 कहाँ से लाएंगे भैया, हम
पैसे नहीं है हमारे पास, हम तो गरीब है, कमाते खाते है, एक से कमाई होते हैं हमारे, बच्चन को पढ़ा लो लिखा लो यही कर लो। अच्छा वोट किसको करते हैं आप यहाँ हर बार सरकार बनती है ज्यादातर? कांग्रेस को करते हैं, कांग्रेस को ही। इस बार क्या मूड है आपका, किसको करेंगे आप? कांग्रेस को ही करेंगे, कांग्रेस को देंगे वोट। लगाया जब से कांग्रेस को दिया, अब अगले का नसीब है, अखाड़े में दो उतरे एक हारे एक जीते, अपन तो कांग्रेस को ही देते हैं, कांग्रेस को ही देंगे। तो ये जो मुख्यमंत्री अगर आपको देख रहे हो हमारे कैमरे के माध्यम से, तो वो गहलोत साहब हैं, अशोक गहलोत, तो उनकी सरकार है और कांग्रेस पार्टी से जो यहाँ चुनाव लड़ते हैं लड़ रहे हैं अभी, वह है रामकेश मीणा। उनसे आप क्या अपील करेंगे, मतलब क्या मदद की उम्मीद करते हैं कि आपने कांग्रेस को वोट दिया पिछली बार भी, फिर वो जीत गई, फिर अब के बार फिर मन बनाया है आपने कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो उनसे कुछ मदद की गुहार किस तरह से लगाना चाहेंगे आप? हमारे गड्ढों ने सुधर जाए, पानी की सुविधा हो जाए, गटर बाथरूम की सुविधा हो जाए, हमारे एक ही प्लाट है, गरीब आदमी एक प्लाट में चार बच्चे रह रहे हैं, गुंजाइश नहीं है बच्चे इनको खेलने को, औरतें लड़ती हैं भिड़ती हैं इसी में रहते हैं, आगे कोई वही नहीं है हमारे लिए, आदमी बीमार रहता है, कमाता नहीं है, बच्चे हैं, जब एक मकान कर्जा कर बनाए थे, किस्तन से पैसे भर रहे हैं। ऐसे कोई भी मीडिया हाउसेस या कोई समाचार पत्र या सोशल प्लेटफॉर्म कोई भी अगर रहता है तो एक जरिया रहता है वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट निकालने का और जनता की समस्या को जनप्रतिनिधि तक पहुँचाने का, वो अगर कार्य कर रहे हैं और वो इस रिपोर्ट को देखने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, जब वो हर तरह से सपोर्ट करेंगे। सुनता ही नहीं है, पैसे वाले की सुने, गरीबन की कोई नहीं सुने, ऐसे बिल लाते रहे, ऐसे टोमड़ा ऐसे बिल लाते रहे, मैं ऐसे कहते हैं ना बड़े बड़े आदमी कुछ कहते हैं तो ऐसे ही करते हैं, कोई पैसे वाले की सुनवाई है, गरीबन कोई सुनवाई नहीं है, आप आए तो तेक तक बतला रहे हैं, बेमान चाहिए देख और चले जा निकल जा मैं, अरे रुको रुको रुके ही नहीं है, अभी बरसात हुई जन कौन आया, यही आया ये मैं रामकेश मीणा, रामकेश मीणा, तो ये हमारे आदमी गए हमारे पानी भर रहा है, अरे मान चाहिए इधर के मोहल्ले में लगा, इधर को तो देखने कोई नहीं आन दिए। तो मुस्लिम लोगों में अगर किसी की पकड़ है यहाँ पे, वो तो कहीं ना कहीं अनवार अली काजी जो हैं जिनका राजमहल होटल भी है और आपकी इस काजी कॉलोनी से हैं, आप उनको समस्या बताया करो, रामकेश मीणा जी को बताया। सुनो अभी कभी हम सरपंच माऊ हम गए नहीं, हम कभी डोले नहीं, जैसे अल्लाह ने गरीबी दे रखे, जैसे कहाँ जा मैं कौन सुने सरपंच के आगे, कभी हमने इतने बड़े आदमी के आगे बात नहीं करी, यह वजह से हम जाते नहीं है सरपंच के। सरपंच अनवार अली काजी साहब अगर इस रिपोर्ट को देख रहे हो तो उनको एक बार विचार विमर्श करना चाहिए कि आपके से हम बोले नहीं कभी, एक बड़े आदमी से हम कभी बोले नहीं, बिन के सामने गए नहीं, बिन के सामने कभी हमने बात करी नहीं, छोटी सी कॉलोनी 20-25 घर हैं, जब से हम आए ना, जब से बेचारे एक सामने वो 2-3 बार वोटन में जीते, हम कभी बिन के सामने गए नहीं, कभी बात नहीं करी हमने, कभी हमने बेचारे एक सामने बात नहीं करी, अभी तो एक बड़ा आदमी है, इनके सामने चबड़ चबड़ करते अच्छे लगे हैं कि हम। तो ये सभी महिलाओं ने अपनी अपनी बातों को रखा है और उनकी जो परेशानी है वो परेशानी दिखाने का कार्य हम लोगों ने किया है और इनकी जो आवाज़ है वो शासन तक पहुंचाने का और जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। और ये जो महिलाएं हैं इन्होंने कहा है कि अनवार अली काजी एक बड़े व्यक्ति हैं हमारी नज़रों में, एक सम्मानित व्यक्ति हैं और वो चाहती हैं कि उनके सामने जबान ना चलाएं हम और अपनी बात को ना रखें, बस इस तरह से क्या है कि उनको ही सोचना चाहिए कि किसी प्रकार से इनकी मदद हो, हर संभव उनका मदद कराने का एक उम्मीद जुड़ी हुई है अनवार अली काजी, जो काजी कॉलोनी और जयपुर रोड पर स्थित ये कॉलोनी है। और जनप्रतिनिधि जो देख रहे हैं, जो वर्तमान में रामकेश मीणा जी यहाँ पे रहे हैं, एक बार उनको भी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, हर बार कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस को सपोर्ट करने का मन बना चुके हैं दोबारा अगली बार फिर, तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये इनकी समस्या निकल के आ गई है सामने, इसका निवारण कराना अनिवार्य है। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।